Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Trader Life Simulator. तो basically इस game में हमारा एक बहुत बड़ा supermarket store है, जिस store में हमें बहुत सारा grocery item लाके रखना है ताकि हम लोग उसे बेच के जल्दी से जल्दी rich बन पाएं. But problem ये है कि सामान लाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत पैसा है हमें उसी से रिच बनना है इस गेम में. लेट्स गो. गुड मॉर्निंग. तो अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने घर से बाहर. बट वेट, बाहर जाने से पहले ना एक बारी मैं टॉयलेट चल लेता हूँ, क्योंकि इस गेम में टॉयलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाय द वे, नहाना भी इंपॉर्टेंट है, बट हमारे बाथरूम में कोई शावर वगैरह नहीं है और वो शावर खरीदने के लिए ना बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा मुझे. तो अभी बिन नहाए रह लेते हैं भैया 4-5 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो डर्टीनेस 81, यानी मैं बहुत ज्यादा गंदा हो चुका हूँ. और हंगर 68 है, तो कुछ खा पी लेंगे. आगे अपना मस्त बेस्ट बर्गर है, वहां से अच्छे खासे बर्गर मिल जाएंगे. फिलहाल अभी मैंने अपनी गाड़ी उठा ली है, यहाँ से राइट लिए थी अपना सुपरमार्केट स्टोर आ जाएगा, तो वहां पर भी चलेंगे. फिलहाल पहले हम लोग चल लेते हैं बेस्ट बर्गर, कुछ फ्रेंच फ्राइज वगैरह या फिर कुछ बढ़िया सा खाने के लिए, जिससे मेरा कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा पेट भर जाए. मेरे पास $557 हैं. वैसे लेट नहीं होना क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं. जितनी जल्दी जाकर हम लोग अपना स्टोर ओपन करेंगे उतना ज्यादा सामान बिकेगा. हाँ, तो जल्दी आ जाओ भैया, लाइन वाइन तो नहीं लगी हुई ना. फटाफट से मैं फ्रेंच फ्राइज दे दो, कि मुझे पता है उसमें पैसे भी कम लगते हैं और पेट भी भर जाता है. वैसे नहीं यार, आज अपने पास पैसे हैं तो $65 का मैं एक पिज्जा अफोर्ड कर सकता हूँ. थैंक यू. मेरी भूख इस टाइम पर, ओ अभी मेरे पास ये पैकेट आया तो मैं इसे यहाँ पर टेबल पे रख के भी खा सकता हूँ. लाओ भाई, अब मैं खाऊंगा. तो ये मैंने पिज्जा खा लिया और हंगर बिल्कुल खत्म. वाओ, क्या हैवी पिज्जा था, हैवी चीज पिज्जा. लेट्स गो. तो ये रही अपनी गाड़ी, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं. गाड़ी को मेरे को ले जाना होगा बैक, क्योंकि आगे वाला रास्ता भी जाता है बट वो लॉन्ग कट है. अपनी गाड़ी को मैं, अरे अरे आराम से आराम से. बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है यार इसमें गाड़ी का भी, क्योंकि गाड़ी की भी एक हेल्थ है और अगर हल्की फुल्की ठुकी तो मुझे रिपेयर करवानी पड़ेगी और उसमें भी थोड़ा सा अलग पैसा बर्बाद होगा. अरे रुक जा यार, इसकी गाड़ी की ब्रेक बड़ी खराब हो रही है. ओके, तो अभी मैं गाड़ी से बाहर आ चुका हूँ. पहले तो मैं ये वाला शटर ओपन कर देता हूँ, इसके थ्रू मैं अपने मार्केट के मतलब अपने स्टोर के अंदर चले जाऊंगा. ये वाला गेट भी मेरे को ओपन करना पड़ेगा. बेसिकली ये वाला जो रास्ता है ना, ये कल को हम सामान वामान ला रहे थे उसे लोड करवाने के लिए अपने यहाँ पर अंदर ला के रखने के लिए. फिलहाल अभी मैं फटाफट से चल के सुपरमार्केट स्टोर को ओपन कर देता हूँ. इसको मैं आपसे अपनी शॉप बोलूंगा ना कि सुपरमार्केट स्टोर. $492 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो शायद से मुझे चलना चाहिए सामान लेने के लिए. फिलहाल एक कस्टमर आ चुका है, देखते हैं कितने का सामान खरीदता है. टोटल अपने पास $16 कलेक्ट हो गए हैं. ठीक है, एक बार मैं चल के देखता हूँ. लास्ट टाइम मैं काफी सारी चॉकलेट्स लाया था और ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फ्लोर वगैरह ये सब लाए थे. बाकी जितने भी यहाँ पर अपने पास एम्प्लॉय काम करते हैं इनको भी सैलरी देनी होती है. और ओ वेट, यहाँ पर इतने सारे मेरे पास चीजें थी, सबके सब बिक गई. मतलब बहुत सारा अलग अलग आइटम था यहाँ पर. बहुत सारी सॉस थी और डाइपर्स थे और यहाँ पर भी कुछ तो था डिटर्जेंट टाइप, वो भी सारा खत्म हो चुका है. तो शायद वो चिप्स एक बार चेक कर लेता हूँ. चिप्स का स्टॉक तो अच्छा खासा अभी पड़ा हुआ है, तो चिप्स लाने की जरूरत नहीं है. एक काम करता हूँ, अपना ये स्टोर ओपन है, फटाफट से गाड़ी लेकर चलता हूँ मैं मार्केट में और ढेर सारा सामान लेकर आते हैं. डन. तो इसको वापस से बंद कर देते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं मार्केट. बाय द वे गाइस, यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी अलग अलग शॉप है जहाँ से मैं आइटम्स खरीद सकता हूँ. जैसे कि एक तो ये जगह है जहाँ से मैं एक रैक परचेस कर सकता हूँ. हाँ, एक रैक परचेस कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आइटम खरीदने जा रहा हूँ तो उसे रखने के लिए भी तो एक एक्स्ट्रा जगह चाहिए होगी. तो ये $150 यार, बहुत ज्यादा महंगी है चीजें. ठीक है, मैंने परचेस कर लिया है. गाइस अभी मैंने सी रैक तो परचेस कर लिया है, मेरे $150 भी मैंने पे कर दिए हैं. बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार वो रैक है कहाँ पर. शायद एक बॉक्स वगैरह मिलता था. बेटा देख ले, अगर कुछ स्कैम हुआ ना दुकान में घुस के मारूंगा. खैर ठीक है, अभी फटाफट से गाड़ी लेकर निकलते हैं, मेरे को और कोई शॉप देखनी होगी. बाय द वे गाइस, अपनी ये जो शॉप है ना, इस पे सिर्फ और सिर्फ पैक्ड आइटम्स की डिमांड नहीं आ रही, यहाँ पर लोग फिश वगैरह भी लेने आ रहे हैं, तो वो सब हमें वहां नहीं मिलने वाला. तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ नई शॉप एक्सप्लोर करने का. तो गाइस यहाँ से सीधा जाकर ना बहुत सारी अलग अलग शॉप है, वेजिटेबल की है, फिश की है, मीट की है. यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अपना बहुत सारा सामान मिलेगा. तो वहां पर जाने के लिए मुझे इस बैंक वाले रास्ते से एकदम राइट जाना है और शायद से मैं सही जा रहा हूँ. पता नहीं यार, बहुत सारा अलग ही मैप है इसका, तो थोड़ा बहुत मुझे रास्ते याद करने में टाइम लगेगा. बट यार मैं एकदम ठीक आया हूँ. ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पड़े हुए हैं. भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ी शॉप आ गई, उधर लैपटॉप वगैरह सब बिक रहे हैं. एक काम करता हूँ, गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं और चलकर एक बार सारा सामान एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या यहाँ पर चीजें और क्या क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या क्या खरीद सकता हूँ. ये देखो यहाँ पर हाई प्राइस चल रहा है. क्या चीज है? स्पीकर्स है, ये हेडफोन है और ये तेरी भाई आईफोन बिक रहे हैं. यहाँ तो कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ है. बट छोड़ो यार, यहाँ पर तो जितनी भी चीजें मैं इसमें से कुछ, ओ वेट प्ले स्टेशन भी है, वो भी ये 5 है, 4 है और नीचे भी काफ़ी सारे इसके कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं.
बट यार यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है, $1,000 के ऊपर के हैं और मेरे पास टोटली 358 है यहाँ पर। अपनी ये एक बचर शॉप है, इस पे चलकर देखते हैं। जी भाई साहब कितने का दे रहे हो, थोड़ा बहुत बता दो यार रेट वगैरह यहाँ पर। ओ, क्या मैं अभी इसे परचेज नहीं कर सकता? यहाँ से कर सकता हूँ बट प्रॉब्लम ये है कि इसे परचेज अगर करूंगा तो मेरे पास एक फ्रिज भी होना चाहिए, तो फायदा नहीं है परचेज करने का, ये खराब हो जाएगा। तो पहले मैं फ्रिज खरीदूंगा फिर ये खरीदूंगा। कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बिना फ्रिज के रख सकूँ। वेजिटेबल शॉप यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत सारे फ्रूट्स, और एप्पल्स तो महंगे चल रहे हैं, ये भी महंगे हैं। ये क्या चीज़ है, ये येलो वाला पता नहीं अनानास, हिंदी में तो मेरे को पता है बट इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसका कोई आइडिया नहीं। बाकी ये कुछ और ही ना हो पता चला टमाटर निकल रहे हैं कच्चे टमाटर। खैर ठीक है, यहाँ पर बनाना है जैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो ये परचेज कर लेते हैं। ओके तो मैंने थोड़े से बनाना परचेज कर लिए हैं। मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे खड़ी है तो गाड़ी पहले ना आगे लेकर आता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। ओके गाड़ी को मेरे को आगे लेकर जाना है, यहाँ पर ला के गाड़ी खड़ी करते हैं। यू नीड टू टेक अ बाथ भाई, मेरी अगर डर्टीनेस बढ़ जाएगी तो मेरी वॉक स्लो हो जाएगी। अबे क्या कोई सरकारी नहीं है क्या यहाँ पर, मेरे को अपने घर में ही शावर लगाना जरूरी है। ओके तो ये डब्बा मैंने उठा लिया है, इस डब्बे को लाकर मुझे गाड़ी के अंदर रखवाना होगा। तो मैं गाड़ी का ये ट्रंक ओपन करता हूँ एंड इसको मैं फटाफट से यहाँ पर रखवा देता हूँ। और एक ये डब्बा मैंने गलती से जमीन पर रख दिया था तो इसको भी लाकर मुझे रखवाना होगा गाड़ी में। अरे यार ये अलग से एक्स्ट्रा जगह घेरेगा यार, मेरे को कोई ना सरकारी टॉयलेट ढूंढना होगा जहाँ पर मैं जाके नहा सकूँ। मतलब ये अलग ही रूल है, अगर मैं नहाऊंगा नहीं तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे वाटरमेलन है। ओ वेट, ये $350 नहीं भाई नहीं नहीं, कुछ $30-40 वाला है। तो भैया बताओ जैसे बनाना सस्ते से तो वो मैंने परचेस कर लिए, भाई यहाँ पर एक बनाना ही सस्ते है, यही दोबारा परचेस कर लेता हूँ। मतलब थोड़ा जो सस्ती चीज है वही ले लेनी चाहिए। तो एक और बनाना वाला बॉक्स मैंने यहाँ पर ऊपर रखवा दिया है। आगे फिश शॉप है बट शायद से मैं फिश भी परचेस नहीं कर सकता, परचेस कर सकता हूँ बट कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एट द एंड इसको भी रखने के लिए मुझे फ्रिज चाहिए होगा यार। या ये ना फ्रिज है प्रॉपर अलग सा जिसमें से ठंडी हवा है जो कि फ्रिश फिश को फ्रेश रख रही है। मैं आऊंगा बाद में आऊंगा। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग लैपटॉप, ओ वेट ये भी करना पड़ेगा क्या? एक सेकेंड, मुझे फटाफट से अपने सुपरमार्केट वाले स्टोर पे वापस जाना होगा क्योंकि वहां जाके मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वरना शायद से अपने स्टोर की लाइट बंद हो जाएगी भाई। ये कुछ गलत है भाई, मैं आराम से मस्ती कर रहा हूँ, जितना पैसा सारा मैं उड़ाने चला गया, मतलब कुछ सामान खरीदने चला गया। बट यार मैं वापस आ चुका हूँ, ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही है, पहुँच गया हूँ मैं। फटाफट से चल के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं भाई। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं ये शावर कहाँ से लूंगा, मेरा प्लेयर की डर्टीनेस पूरी 99% हो चुकी है और मैं फुल गंदा हो गया हूँ। ओके तो ये है इनकम सेल, कहाँ से भरना है इलेक्ट्रिसिटी बिल? ऑटो पे लगा दूँ क्या? यहाँ पर आ रहा है ऑटो पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, अच्छा ये रहा $150 का है जो कि शायद से पे कर दिया है। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल $150, एड फंड्स टू वीजा कार्ड यूजिंग ATM। अबे भाई हेलो, हम अपने कार्ड के थ्रू ही बिल पे कर पाएंगे, ATM का है। एक तो यार मेरा प्लेयर चल नहीं पा रहा है डर्टीनेस की वजह से, पूरी 100% हो गई है। एक काम करता हूँ, सामने बैंक है तो बैंक के अंदर ही चले जाता हूँ, वहां पर तो पक्का ATM हो गई। वैसे मैंने कहीं पर तो देखा था एक ATM बाहर ही लगा हुआ था बट कोई नहीं, अभी मैं बैंक आ चुका हूँ। अरे बैंक में ATM नहीं है क्या? छी यार क्या गलत बात है भाई, यार देख ले पैसे वैसे ले ले यार, वीजा कार्ड में डाल दो, हीरा यहाँ से भी हो जाएगा काम। ओ प्लीज एंटर अ वैल्यू ट्रांसफर, ठीक है मेरे को $150 पे करने हैं तो मैं 150 ही ऐड करवाने वाला हूँ, ज्यादा नहीं करवाएंगे। You don't have this much. अरे क्या बात कर रहे हो भाई, 298 पड़े हुए हैं। अच्छा पहले वॉलेट से बैंक में जाएगा फिर बैंक से वीजा में जाएगा, ठीक है भाई ये लो पहले बैंक में डाल दो मेरे ट्रांसफर, अब इस बैंक से वीजा में डाल दो ट्रांसफर, डन। तो अभी अपने कार्ड में पैसे आ चुके हैं, अब ये जो कार्ड है इस कार्ड से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। भाई ये सिमिलिटरी गेम्स में ना कुछ यही चीज होती है जिसकी फील अलग होती है, बाकी ये अपनी क्या हालत हो रही है इसको लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ यार। वैसे शायद से ना कोई तो पब्लिक बाथरूम होगा जहाँ पे जाकर मैं एक बाथ ले सकता हूँ, जरूरी थोड़ी अपने शावर खरीदना हो। ओके तो यहाँ से अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं। भैया लाइट कम हो गई थी अभी वापस जल चुकी है। बाय द वे गाइस देखो ये सारी कंप्लेंट लिस्ट है कि हमारे पास क्या क्या चीजें नहीं है। हमारे पास डॉग फूड नहीं है, कॉफी स्टिक्स नहीं है, टॉयलेट क्लीनर नहीं है, नट्स नहीं है, केचप नहीं है, बीफ ब्रॉथ नहीं है, शैम्पू नहीं है, तेरी पूरी लिस्ट तो यहाँ पर आ रखी है। और ये क्या है, मैं यहाँ से भी परचेस कर सकता हूँ क्या? चलो डन, फिलहाल अभी मेरे को एक बार ना कोई बात के लिए जगह देखनी होगी यार। देखो इस मैप में आ रहा है कि एक फिश शॉप है, बैंक है, ATM है, ट्रेडिंग कंपनी, एक्सपोर्टिंग कंपनी, टूल्स, कार पार्ट्स, गैस स्टेशन, एनिमल होम, योर शॉप, फर्नीचर, जेवर, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल शॉप, फोन शॉप, लैपटॉप, फार्मेसी, फूड। अरे यार सच्ची में ऐसी कोई जगह नहीं है गाइस। तो अभी ना मुझे फटाफट से एक बारी फर्नीचर शॉप ही चलना होगा, वहीं पर से जाकर मैं अपने लिए एक बाथ टब परचेस कर पाऊंगा और फिर नहाकर अपनी ये जो चलने की स्पीड है ना इसको बढ़ा पाऊंगा। देख रहे हो मेरा प्लेयर कैसे चल रहा है। बट हाँ जाने से पहले जो बनाना मैं लेकर आया था ना इसको मैं रखवा देता हूँ शॉप पे। तो मैं सोच रहा हूँ इसे एकदम फ्रंट में ही रखा दूँ तो क्योंकि जितने भी लोग अपना जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं उन्हें फ्रेश फ्रेश चीजें दिखे तो वो आके परचेज करें। तो इसको एकदम यहाँ पर रखवा देते हैं, रोटेट करके रखते हैं ना ज्यादा दिखेंगे। इसको ये करा परचेज, ये रखा यहाँ पे और सारे के सारे पीस में ही लगाने वाला हूँ। मेरे को सोच रहा था कि यार आज मैं बहुत सारा काम करूंगा बट मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी। डन तो ढेर सारे बनानास में लेकर आया था और आई थिंक
मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं, बट अभी यहाँ पर एक डब्बा और है। परफेक्ट, इसको भी उठाते हैं, लेके चलते हैं अंदर। और ये रखा यहाँ पे, और इसमें से अरे भैया हट तो जाओ आगे से। डन, तो मैंने सारे के सारे बनाना यहाँ पर रख दिए और वो बिकना भी स्टार्ट हो गए शायद से। ये देखो अपना एक बनाना जा चुका है $10 का। तो भाई लाओ फटाफट से मेरे को पैसे दे दो, आज की जितनी कमाई हुई है $255 कलेक्टेड। $10 इसमें भी थे, ये भी मैंने परचेस कर लिए। लेट्स गो, अब फटाफट से चलते हैं सीधा फर्नीचर शॉप पे। ढेर सारा नहीं, बस एक बाथ टब परचेस करने के लिए ताकि मैं नहा पाऊं। बाय द वे गाइस, धीरे धीरे करके मुझे कुछ कुछ रास्ते तो याद हो गए हैं, जैसे कि मुझे जेबर शॉप का, नहीं मैं जेबर शॉप क्यों जा रहा हूं, मुझे फर्नीचर शॉप जाना है। मैं अभी यहां पर हूं, फर्नीचर शॉप है ये वाला, तो मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी गाड़ी को बैक लाकर एकदम स्ट्रेट जाना है यहां से। नो, फर्नीचर शॉप का रास्ता तो यहीं से है, तो फिर सीधे ही जाना पड़ेगा और यू टर्न लेकर आना है उधर। आई मीन यू टर्न ही लेना, बट हाँ थोड़ा सा घूम के आना है, तो वो यू टर्न टाइप ही हो गया। ये देखो पहले मैं इधर वाले रोड पे आया हूं, अब मेरे को वापस अंदर को जाना है उधर। डन, तो रास्ते तो सच्ची में मुझे याद हो गए हैं। बस एक बाथटब जो मैं लेने आया हूं उसका प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैं आया था मैंने परचेस नहीं करा था। अरे भाई एटीएम में आगे गाड़ी भिड़ी है बहुत ज्यादा बुरी तरह। ओके, फटाफट से चलते हैं अंदर। वो मेरे को सामने बाथटब नजर आ रहा है, काश इसका प्राइस बहुत कम हो। ओके, तो बस पता करना है बाथटब कितने का है, $250। तो फाइनली मैं इसे परचेस कर सकता हूँ, मैंने परचेस कर लिया है और अब अपना काम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा यार। थैंक यू सर बाथटब बेचने के लिए। भाई कसम से हालत खराब हो गई, कितनी धीरे चल रहा है मेरा प्लेयर। टर्न, तो गाड़ी में बैठते हैं, फटाफट से निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि रात के पूरे 9 बज चुके हैं, तो फिर बाहर रहने कोई फायदा नहीं है। अचानक से देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा खतरनाक अंधेरा हो चुका है, थोड़ी सी और रात हुई ना भाई ये एक हॉरर गेम बन जाएगा। लेट्स गो, अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ते चलते घर पे। तो फाइनली मैं अपने टाउन पहुंच चुका हूँ। इस पूरे के पूरे टाउन में बस 4 से 5 ही घर हैं और ये अपना वाला घर है। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी में साइड में रुक जाओ लगा देता हूँ आराम से। यार काफी ब्यूटीफुल हाउस है, और तेरी मैं दरवाजा खुला ही छोड़ गया था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं इसको तो पहले तो बंद कर देता हूँ। वो यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा बनाना भी लाया था, बट इसे मैं नहीं खाने वाला, इसको स्टोर में ही रखना है मुझे। फिलहाल गाड़ी का ट्रंक बंद करते हैं, चलते घर पे। रात में घर में जाने से पहले वाला गेट भी बंद होना चाहिए। अब फटाफट से मुझे रखना है बाथटब, फटाफट से थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए। लेट्स गो, मेरा बाथटब कहाँ है, वेट ये मैं निकाला, बाथ का ये रहा, प्लेस करते हैं इसको। रुक जाओ आराम से रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ पर प्यार से लगाना है। डन, तो ये काफी ज्यादा मस्त है, फटाफट से मैं इसके अंदर नहा सकता हूँ। यप, तो मैं इसके अंदर नहा सकता हूँ भाई, लेट्स गो। फाइनली भाई कितनी अच्छी फील आ रही है। यहाँ पर थोड़ा बहुत टॉयलेट भी कर लेते हैं, अब अपनी बॉडी फुल फ्रेश हो चुकी है। और एक सेकेंड, ये मैंने बाथटब गलत जगह रख दिया, मैं अटक गया था। टन टन टन, अभी स्वीट फास्ट हो चुके हैं, चल के सोते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैं बहुत सारा काम करने वाला हूँ। कल तो काम करने का मौका ही नहीं मिला, पूरे टाइम इसी हरकत में अपना ग्राइंड करते रह गए। बट कोई नहीं, आज बहुत सारा काम करेंगे। बट उससे पहले मैं अपनी गाड़ी की ना हेल्थ पता कर लेता हूँ। यहाँ पर 67% इसके अंदर गैस है और गाड़ी 75% ठीक है, ऑयल भी ठीक है, तो रिफिल करवाते हैं चल के इसे। 67% वैसे बहुत ज्यादा है, अभी चलेगा, बट 100% रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे छोड़ो यार, ज्यादा फालतू नहीं बोलना, मेरे पास $163 हैं, बहुत सारा सामान भी खरीद के लाना है। और अभी मैं अपने स्टोर पे नहीं सीधा सामान खरीदने जाने वाला हूँ, क्योंकि फिर वहां पर जाना और घूम के आना वो टाइम वेस्ट है। आज समझ लो मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं एटलीस्ट एक फ्रिज अपने स्टोर में लाके लगा पाऊं। फाइनली मैं जेवर शॉप पहुंच चुका हूं, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहां पर खड़े करते हैं। यहां पर सारा का सारा सामान मिल जाएगा मुझे, जो जो मुझे अपने स्टोर के लिए चाहिए होता है। $163 में देखते हैं ये हमें क्या क्या दे सकता है। फिलहाल ये सारा फ्रिज वाला आइटम है, ये मैं नहीं लेने वाला। इधर चलकर देखते हैं यहाँ पर ये क्या चीज है, कोला। लेट्स गो, लास्ट टाइम मैं ये कैसे भूल गया। तो एक बॉक्स इसका परचेस कर लेते हैं और इसको मैं रखवा कर आता हूँ यहाँ पे। ओ वेट एक सेकंड, गाड़ी घुमा के ले आता हूँ ना, बहुत कम टाइम लगेगा फिर सामान रखवाने में, थोड़ा आराम से। ये लुक बैक वाला फीचर यार बहुत ज्यादा सही है, मतलब प्रॉपर साइड मिरर वाला व्यू आ जाता है। ओए आराम से जो यार इसकी ब्रेक खराब है, मैं गाड़ी गलत नहीं चला रहा बस। तो गाड़ी को यहाँ पर रुक जा भाई, रुक जा। डन, तो भी निकलते हैं गाड़ी से बाहर। ये डब्बा मैंने परचेस करा था, फटाफट से गाड़ी का ट्रंक ओपन करते हैं और इस डब्बे को यहाँ पर मैं रखवा देता हूँ कुछ इस टाइप से। $150 अभी भी पड़े हैं, तो और क्या क्या मैं ले सकता हूँ यहाँ से मुझे देखना होगा। डॉग फूड की थोड़ी बहुत डिमांड थी, तो उतनी भाई डॉग फूड तो महंगा हो रखा है, लेकिन कैट फूड सस्ता चल रहा है। ओए 140 नहीं, मैं नहीं ले रहा, सस्ता आइटम परचेस करूंगा मैं। तो यहाँ पर ढेर सारा हैंड वॉश है, ये परचेस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को सस्ती चीजें ही लेनी चाहिए यार, मतलब क्वांटिटी ज्यादा हो भले ही चीज सस्ती हो, ताकि कस्टमर खाली हाथ ना वापस जाए ना यार। एटलीस्ट यहाँ पर डायपर्स पड़े हैं $80 के, बट नहीं इतना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। सॉस वगैरह मुझे चाहिए थी, सॉस एंड केचप वगैरह सब खत्म हो रहा है। वेट इधर है क्या, ओ नट्स का भी डिमांड था, बट नट्स का प्राइस काफी ज्यादा है। ओ ये है वो जैम जो कि मुझे चाहिए, तो फटाफट से ये परचेस कर लेते हैं। इसको भी मैं चल के गाड़ी में रखवाता हूँ। वेट पहले तो मुझे बनाना इधर रखवाने होंगे, अब इसको उठाकर मुझे रखवाना होगा ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से। एंड और मैं यहाँ से क्या क्या परचेस कर सकता हूँ,
बताऊं, मेरे पास अभी $114 हैं। यहाँ पे कुकिंग ऑयल एंड फ्राइंग ऑयल भी है, बट ये बहुत ज्यादा बड़े वाला डब्बा है, तो छोटे वाला डब्बा एक परचेज कर लेते हैं पूरा, और इसको भी गाड़ी में चल के रखवा देते हैं। और क्या क्या है जो मैं ले सकता हूँ, बीन्स पड़े हैं तो बीन्स भी ले ही लेते हैं, सही रहेंगे। बिस्किट्स, लेट्स गो, बिस्किट मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर है बिस्किट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स, तो बिस्किट परचेज कर लेते हैं, बिस्किट भी सही बिकेंगे। $8 बचे हैं और मैं -50 जा चुका हूँ बैंक से, तो मेरे को यार वैसे बैंक से एक बार ना लोन ले लेना चाहिए था। बाकी ये बनाना हो रहा है, इसको क्या गाड़ी के ऊपर रखवा सकता हूँ मैं? ओ यस, मैं से रखवा सकता हूँ शायद। ठीक है भाई, मेरे को छोड़ के नहीं जाना होगा। अब इसको बंद करते हैं भाई, गाड़ी में बहुत सारा सामान आ चुका है, फटाफट से हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा अपने स्टोर पे। आज बहुत सारा सामान बिकने वाला है और हम लोग काफी ज्यादा अच्छे खासे अमीर बनने वाले हैं। क्या अब तो लास्ट डे मैं घर आ गया था और अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो फटाफट से चलते हैं एक बारी बेस्ट बर्गर पे, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं। यार यार कुछ ज्यादा फास्ट फूड नहीं खा रहा है मेरा प्लेयर, पता चला बाद में बीमार पड़ जाए। और मेरे को लग रहा है ऐसा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक मस्त क्या कह रहा है, पैसे नहीं है। अबे हाँ, सच्ची में पैसे नहीं है, 72 हंगर हो रखा है और $8 है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पता चला अपना प्लेयर बीमार पड़ जाए और फिर हमें दवाइयां भी परचेज करनी पड़े, क्योंकि इधर एक फार्मेसी स्टोर भी है। यार ये प्लीज, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, चल के फटाफट से इसे ओपन करते हैं। और ये आगे वाला शटर भी मैं ओपन करता हूँ, और ये जो लैडर्स है इसको उठा के मुझे लेकर चलकर यहाँ पर रखना होगा। डन, अब मैं अपनी गाड़ी लेकर आराम से अंदर आ सकता हूँ, सारे के सारे बॉक्स उतार के गाड़ी को बाहर कर देंगे। यप, तो ये मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ से घुमा लिया, परफेक्ट। ये बस 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 बस, बहुत बहुत बहुत, अरे भिड़ जाएगी, अपना ही नुकसान होगा, स्टोर का भी गाड़ी का भी। लेट्स गो, फटाफट से इसको ओपन मैं कर लेता हूँ। डन, तो ये ओपन हो चुका है, बॉक्स उठा उतार के मैं यहाँ पर रखता हूँ पहले। तो भाई बहुत सारा सामान लाया हूँ इस बार, तो सच्ची में इतना सारा सामान है भाई, सोच भी नहीं सकते। बाकी ऊपर एक बनाना का बॉक्स है, ये उठाकर मैं यहाँ पर रखवा देता हूँ। अपने पास इस वाले टेबल पे भी बहुत सारी जगह और बहुत सारे बनाना तो बिक भी गए हैं यार, परफेक्ट। वैसे देखता हूँ कितना पैसा भी आ चुका है कल ही कल में हमारे पास, यहाँ से अगर मैं कलेक्ट करूँ तो $62, छी इतना कम। तो अभी ना आज मैं क्या करने वाला हूँ, $1000 का ना बैंक से लोन ले लूंगा, अभी नहीं जब मैं मार्केट में सामान परचेस करने जाऊंगा उसके बाद दोबारा से, तब $1000 का बहुत सारा सामान लाकर यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद तो अपनी इनकम हो ही जाएगी, और वो $1000 बैंक को कुछ टाइम में वापस कर दूंगा और जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास रख लूंगा। फिलहाल अभी जितना भी डब्बे आए हैं इन डब्बों को लाके रखता हूँ यहाँ पर, और मैं एक रैक, एक काम करता हूँ तीनों रैक यहाँ पे लाके लगाऊंगा, क्या बढ़िया रहेगा। एक नया वाला रैक मैं लाया था, उस रैक को यहाँ पर रखवाता हूँ। ये रहा वो रैक जो मैंने परचेस करा था, मैं खाली पुलिस दुकानदार पे फैल रहा था। डन, तो ये वाला रैक मैंने यहाँ पर परचेस कर दिया है, और मतलब फिट प्लेस कर दिया है, अब उस रैक में चल के सामान रखते हैं। इसमें क्या लाया था मैं, ओ तो यहाँ पर मैं बहुत सारे हैंड वॉश लाया हूँ। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा अपना ये स्टोर भरने में मुझे कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, इतना बड़ा स्टोर है। वैसे यार देखो, भरने में तो टाइम नहीं लगेगा, बट जो पैसा कमाना है पूरा भरने के लिए, उस पैसे को कमाने में टाइम लग जाएगा। बाकी ठीक है, हैंड वॉश हो चुके हैं, अब फटाफट से ये वाला डिब्बे को लाके यहाँ रखता हूँ। पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, ओपन करके देखता हूँ। ओह, इसके भी अच्छी खासी डिमांड है, तो ये भी यहाँ पर रखवा देते हैं। यार कैचअप लाना मैं भूल गया, मतलब भूला नहीं, मेरे को मिला ही नहीं यार वहाँ पर, और ना ही मैंने और किसी शॉप पे ढूंढने का ट्राई करा। वैसे भी यार पैसा नहीं था तो ठीक है, ट्राई नहीं करा क्योंकि मैं खरीद भी नहीं पाता। नेक्स्ट वाला बॉक्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओह, तो ये कोला है, इसको भी फटाफट यहाँ पर रखवा देते हैं। काफी सारे अलग अलग फ्लेवर में है, ऑरेंज है और यहाँ पर एक कोला फ्लेवर है। भाई बॉटल प्लास्टिक की लग रही है पर कुछ साउंड यहाँ पर कांच की बोतल वाला आ रहा है। नेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ओपन करा और ये क्या था, शायद से नट्स थे क्या, पता नहीं मैं भूल गया यार ये क्या था, एक मिनट रुक जाओ नेम पढ़ने दो। ओ ये बीन्स थे, बीन्स है, कोई नहीं इसको भी रखवाते हैं, इसकी भी डिमांड थी शायद। ओके नेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मैं लेकर आया हूँ। ये करा ओपन और ये, ओ बिस्किट्स, लेट्स गो। काफी ज्यादा बड़े बड़े बॉक्स है यार ये तो। वैसे भी सुपरमार्केट स्टोर है तो अपने पास सीन ही है कि एक ही बार में सारा सामान जाए, इन्हीं की एक एक पैकेट खोल के बेचे। लेट्स गो, तो ऊपर वाले उस पर सारा सामान मैंने रख दिया। और अरे यार ये नीचे रख देता हूँ, कूद कूद के रख रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट बचा है इसके अंदर, मैं क्या लाया था इसको यहाँ पे रखवा देता हूँ, ये वाला खाली सा दिख रहा है ना। ओह, तो ये ऑयल है, ऑयल भी रखवा देते हैं। वैसे गाइस बाद में मैं सारा सामान मैनेज करके रखने वाला हूँ, फिलहाल अभी बहुत कम सामान है तो इसके अंदर मैं क्या ही सॉर्ट करूँ, ये खुद ही ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो रहा है। डन, तो बहुत सारा सामान मैंने यहाँ पर भी रखवा दिया, और जितना सामान मैं लाया था वो सारा का सारा इतने में ही हो गया, और चिप्स भी खत्म हो रहे हैं। एक काम करो, पैसा दे पहले, 77। यार बहुत कम कमाई नहीं हो रही मेरे, ये बैंक में -100 क्यों दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई? वेट एक बार चल के चेक करता हूँ, एक सेकंड यहाँ पर क्या है। बाय द वे गाइस, ये कुछ शॉप के अपग्रेड्स हैं जो कि मैं परचेस कर सकता हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर स्टैंड $150 का है, और ये परचेस करने के बाद शायद से एक स्टैंड लग जाएगा जहाँ पर न्यूज़पेपर आएंगे और लोग खरीदेंगे, उन्हें फ्री का पैसा मिलेगा। बाय जूस मशीन, बाय कॉफी मशीन और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने सुपरमार्केट का भी नेम चेंज कर सकता हूँ यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ, टेक्नो स्टोर, एकदम मस्त दिखेगा। लेट्स गो, नेम मैंने डाल दिया, सेव करते हैं और चलकर देख कर आते हैं अभी अपना स्टोर का नेम कैसा दिख रहा है। ये हमारी जंप, ओ वेट, ये कितना सही दिख रहा है टेक्नो स्टोर, दूर से भी मस्त लग रहा है यार। ये मेरे को फर्स्ट डे ही कर देना चाहिए था क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, देन अपना स्टोर है, मैं जो मर्जी नाम रखूं। फिलहाल हाँ, अभी मैं जा रहा था बैंक से लोन ले, गाड़ी बाहर निकाल लेते हैं यहीं से। ये मोड़ा मैंने गाड़ी को, गाड़ी पीछे बहुत ज्यादा बुरी तरह ठुक चुकी है। अरे हट जाओ भाई साहब, ये हमने गाड़ी बाहर निकाल ली।
ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था। मैं गाड़ी पीछे से ही लाता था और पीछे से ही घुमा के ले आता था। बट ठीक है, इस लेवल की भी मस्ती हो सकती है, मैंने नहीं सोचा था। फिलहाल ये बंद कर देते हैं यार, अभी चलते हैं अंदर। सर मेरे को लोन चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक लोन, लेट्स गो। मैंने लोन परचेस कर लिया है। एंड रीपे कितने टाइम में करना है, कुछ टाइम लिमिट है? पता नहीं यार मेरे बैंक साइन के नीचे -100 क्यों आ रहा है। मैं इस -100 को कैसे हटा सकता हूँ भैया? छोड़ो यार ऐसे की तैसे, मैं भाग के जा रहा हूँ। पहले तो मेरे को थोड़ा सा फूड खाना है। मेरे पास $1,147 हो चुके हैं भाई, अब आने वाला मुझे। सर 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 कुछ बढ़िया सा खिला दो पहले तो, इससे पेड़ भर जाए। यहाँ से बाय कर लेते हैं। और मेरा हंगर नहीं खत्म हुआ भाई। अबे क्या नकली माल बेच रहे क्या भाई? फूड में बाय कर। ओह ये कितना घटिया चीज है भाई, इसके यहाँ से सामान परचेस करने पे $15 देने के बाद भी हंगर बहुत कम हो रहा है खत्म। इससे बढ़िया मैं अपना बेस्ट बर्गर जाके वो फ्रेंच फ्राइज ही खा लेता। इतना लग्जरी रेस्टोरेंट है, पेट भी पूरा भर जाता है। बाकी अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ फर्नीचर शॉप पे। पहले एक मेरे को फ्रिज परचेस करना है, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ जेपर शॉप पे, क्योंकि मुझे ढेर सारे अलग अलग आइटम परचेस करने हैं। अब बस कहीं ऐसा ना हो कि फ्रिज पूरे $700-800 का हो, क्योंकि उसमें लॉस हो जाएगा। अगर देखो $200-250 का हुआ तो मैं ले लूंगा, अगर इससे ऊपर हुआ तो भाई वो फिर पैसा वेस्ट है। डन। तो मैं पहुंच चुका हूँ और दोबारा से ATM में गाड़ी ठोक दी मैंने। अब चलते हैं अंदर। ये रहा वाला फ्रिज जिसको मैं परचेस करने की बात कर रहा हूँ। कितने का ये? $750। अबे क्या इसमें छोटा पीस नहीं आता क्या यार? ये शायद से छोटे वाला है। और अरे भाई $2,000, ये बड़े वाला है, पूरा एक ही है। ठीक यार, यहाँ पर आने का पेट्रोल अलग खराब हो गया खाली पीली। ये क्या चीज है? फ्रिज तो नहीं है, ये तो बस एक रैक है। हाँ ये एक लार्ज शेल्फ है। ठीक यार, शेल्फ क्या करना है यार, शेल्फ तो नॉर्मल भी चलेगा। जब बाद में बहुत पैसा आ जाएगा तब जाएंगे लग्जरी शेल्फ पे। फिलहाल अभी तो यार फ्रिज चाहिए था, खरीद लूँ क्या समझ नहीं आ रहा। बट अगर मैंने फ्रिज पे पैसे लगा दिया ना तो मैं अपने जो बाकी लोन है ना बैंक से लिया हुआ, ये मैं चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने पैसों में फ्रिज तो आ जाएगा बट फ्रिज के अंदर जो सामान मुझे रखना है वो मैं नहीं खरीद पाऊंगा, और वो नहीं खरीद पाऊंगा, कुछ बिकेगा नहीं। बिकेगा नहीं तो हम लोग लोन वापस नहीं पे कर पाएंगे। अरे एक सेकंड, मैं कार शॉप पे कहाँ आ चुका हूँ, मैं वैसे गलती से आऊँ। फिलहाल अगर आई गए तो एक बार उतर के देख लेते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर है। ओ तेरी, यहाँ पर तो एक मस्त सुपर कार भी है यार, ये तो मैंने नहीं सोची थी। एक ट्रक है बहुत ज्यादा बड़ा, और फिलहाल तो सबसे पहले ट्रक इम्पोर्टेंट है। ट्रक कितने का ये? वो मैं इसे ड्राइव कर सकता हूँ? यू डोंट ऑन दिस व्हीकल। अच्छा, दी ओपन ऑप्शन दे रहे थे लोग ड्राइव करने का। इसके पीछे बहुत सारा बड़ा ट्रंक है, तो कल को सामान वगैरह लाना होगा उसमें, तो बहुत सारा सामान जाएगा। बाकी यहाँ पर एक मस्त वैन है हमारे, यहाँ पर इस वैन में स्कूल के बच्चों को भर के ले जाते थे, और इधर मतलब स्कूल छोड़ने के लिए। और इधर एक मस्त कार है, और ये हैं भाई साहब जो गाड़ियाँ बेच रहे हैं। कितने की है भाई? ट्रक का प्राइस है $4,500। इतना ज़्यादा नहीं है, अगर फ्रिज से कंपेयर करा जाए तो बहुत सस्ता बिक रहा है। मतलब सोचो, एक फ्रिज है $750 का और एक ट्रक है $4,000 का, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। या तो फ्रिज बहुत महंगा या फिर ट्रक बहुत ज्यादा सस्ता है। तो यहाँ से जो वापस वाला रास्ता है, मुझे वहां से लेफ्ट मुड़ना है फिर राइट मुड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले निकलते हैं इस तरफ में। मैं कह रहा हूँ ना यार, यहाँ पर कुछ रास्ते ऐसे हैं कि सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं। मेरे को इस वाले कट से लेफ्ट होना था, मैं आगे वाले कट पे चला गया था गलती से, बट ठीक है धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इस वाले शॉप पे। फटाफट से इसके भी ATM में गाड़ी ठोक देता हूँ मैं। बट नहीं नहीं नहीं, गाड़ी ढंग से मेरे को घुमा के लगानी है, बहुत सारा सामान मैं यहीं से लेने वाला हूँ अभी। चलो 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 चलो, डन। बस गाड़ी को यहीं पर रोकते हैं, चलते हैं अंदर। और अब देखता हूँ मेरे को क्या क्या लेना चाहिए। स्ट्रॉबेरी बिस्किट, डॉग फूड चल के देखते हैं। डॉग फूड की डिमांड है और अभी वो सस्ता भी चल रहा है, तो ये मैंने परचेज यहाँ से कर लेना है और इसको रखना है यहाँ पे। पर डॉग फूड के साथ साथ कैट फूड भी है, तो ये भी मैं परचेज कर लेता हूँ, यहाँ रख देते हैं। एक काम करता हूँ, पूरा ना इस तरफ से देखते हुए चलते हैं, कुछ भी मिस नहीं करना। जो अपने लेने लायक होगा वो मैं परचेज करूंगा। नूडल्स हैं बट वो महंगे हैं, और यहाँ पर चिप्स हैं, चिप्स मैं परचेज कर लेता हूँ। ये आर वाले चिप्स, रेड वाले, ये ले लिए। नीचे वाला तो रेट काफी ज्यादा हाई चल रहा है, तो ये बिल्कुल परचेज करने लायक नहीं है। एक काम करता हूँ, यही वाले मैं डबल पैकेट ले लेता हूँ। चिप्स हो गए और ड्रिंक्स अपने पास पड़ी है। टूथपेस्ट ले लेते हैं, एक $870 पड़े भाई, बहुत सारा सामान जाने वाला है। शैम्पू चाहिए हमें, शैम्पू भी नहीं था। और यहाँ पर कुछ क्लीनिंग के लिए मटेरियल है बहुत सारे। ये क्या है? सनस्क्रीन नहीं, ये नहीं चाहिए भाई। ऑलिव्स नहीं चाहिए, ऑलिव्स की डिमांड थी शायद बट मैं नहीं लेने वाला हूँ। वॉशिंग पाउडर ले लेते हैं, वॉशिंग पाउडर का रेट भी कम चल रहा है। और यहाँ पर डाइपर्स है, डाइपर्स लास्ट टाइम जितने थे सारे बिक गए थे, तो मैं दोबारा परचेस करूंगा। और ये रहा गाइस सॉस, ये मेरे को चाहिए। सैलेड्स, ड्रेसिंग नहीं 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 नहीं। बाकी यहाँ पर जितनी चीजें हैं सबका तो प्राइस ही हाई चल रहा है। और लास्ट टाइम मैं चॉकलेट ले गया था, खैर वो काफी सही बिक रही है, तो मैं और एक्स्ट्रा परचेस कर लेता हूँ डिफरेंट वेराइटी की। और यहाँ पर ये कुछ छोटा मोटा मटेरियल है, स्नैक्स हैं, तो ये भी परचेस कर लेते हैं। चलो भाई, बहुत सारे बॉक्सेस मैंने यहाँ से ले लिया, और अभी भी मेरे पास $600 बचे हुए हैं। लेट्स गो। ठीक है, फिर गाड़ी का ट्रंक ओपन करते हैं और जल्दी जल्दी मैं चीजें रखवाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। बॉक्स कैरी करा, और मेरे को एकदम चिपका के लगाना है, क्योंकि जगह की कमी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल एक से एक चीज मैं एकदम ऐसे मिला के लगाऊंगा कि कुछ भी बाहर ना जाए। ये वाला बॉक्स भी करा कैरी, और ये भी रखना है यहाँ पे कुछ इस टाइप से। और ये है लास्ट बॉक्स, ये भी करा कैरी, और इसको भी रख देते
लेते हैं, वेट यहाँ पे। तो गाड़ी अपनी पूरी भर चुकी है, बट इस गाड़ी के ना ऊपर भी मैं इन बॉक्सेस को रखवा सकता हूँ मे बी, या आई एम राइट, बट उसके लिए मुझे पहले एक बार गाड़ी पे चढ़ना होगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर बॉक्स रखवा सकता हूँ, बट दूसरा बॉक्स लेने मुझे बहुत दूर जाना है यार। मेरे काम करता हूँ, पहले ना बॉक्स ही ला के यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये है लास्ट वाला बॉक्स जो मैंने यहाँ से परचेज करा था, इसको भी मैं यहाँ पर रखवा देता हूँ। और फिर आप फटाफट से चलते हैं ऊपर, एक सेकंड, ये मैं आ गया गाड़ी के ऊपर और इन बॉक्स को यहाँ पर रखवाना स्टार्ट करता हूँ। भाई ये काफी ज्यादा सही सीन है, मेरे को नहीं पता था कि अपनी गाड़ी में मैं इतना सारा सामान भी लोड करवा के ले जा सकता हूँ। ट्रक खरीदने की तो जरूरत ही नहीं है यार, सारा सामान तो इसी में हो जाएगा। लेट्स गो, सब हो चुका है, फटाफट से ट्रंक बंद करते हैं और अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। शायद से ये सारा सामान आ रहा है ना, ओ यप, सारा आ रहा है बॉक्स। ठीक है भाई, फिर देरी इस बात की, जल्दी से गाड़ी को भगा कर निकल लेते हैं। अभी ना शाम के 8 बज रहे हैं, यानी मैं अभी भी और भी काफी सारा काम कर सकता हूँ। अभी मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ, इसको तो यहीं पर खड़ा कर देते हैं। और एक काम करता हूँ, जितने भी बॉक्स हैं ये सारे के सारे उतरवा के ना यहाँ पर रखवा देता हूँ। बस पहले सारा का सारा सामान ले आऊंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इन्हें उतार उतार के रखने वाला हूँ। अभी तो यार सच्ची में बहुत सारा सामान आ चुका है, भरने वाला यार कुछ ही देर में अपना पूरा का पूरा ये स्टोर। लेट्स गो, अब मैं इसके बाद जाने वाला हूँ कुछ और फूड शॉप पे थोड़ा सामान लेने के लिए। आई मीन इस तरफ में काफी सारी अलग अलग शॉप है जहाँ से हमें वेजिटेबल्स एंड और भी काफी सारी चीजें मिल सकती है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आ गई बचर शॉप, बट इससे जितना सामान है वो तो भैया फ्रिज में ही जाने वाला है, तो वेजिटेबल्स ले लेते हैं। अरे अरे ये क्या हुआ, गाड़ी पलट जाती है अभी तो। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या सस्ता चल रहा है, ओ एप्पल सस्ते चल रहे हैं, ये बाय कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रखवाता हूँ। ये भी एप्पल है, लास्ट टाइम मैं इसमें खाली पीली डाउट कर रहा था, एप्पल ही है, ये भी एप्पल है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्पल हैं। तो नहीं, ये भी एप्पल छोड़ो, यहाँ से मैं पोटैटो परचेस कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑरेंज है, ये भी परचेस कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुकुम्बर है, ये नहीं लेनी, वाटरमेलन रेट हाई चल रहे हैं, टोमेटो परचेस कर लेते हैं और एक और पीस ले लेता हूँ टोमेटो का, टोमेटो डालना चाहिए सब्जियों में। बनाना पता नहीं शायद से बिक गए होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा परचेस कर लिया। फटाफट से चल के सारी चीज़ गाड़ी में रखवाते हैं। तो अभी आप लोग ऐसा कह सकते हो कि मैंने अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, मतलब इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $147 बचे हैं, $1000 मैंने उड़ा दिए, इतना मान के चलो। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है बहुत तेज हवा चल रही है। वो हाँ सच्ची में हवा चल रही है यार, बारिश आने वाली है क्या? अरे जो मर्जी आए, मैं तो भैया काम से अब आज छुट्टी नहीं ले रहा, सीधा चलेंगे वापस से स्टोर पे और सारा सामान रखवाना है मुझे। या फिर ऐसा करता हूँ अभी घर चल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पर हंगर एंड डर्टीनेस भी दिखा रहा है, बढ़ गई है, तो खाली पीने में मेरा प्लेस स्लो चलेगा। तो ठीक है, अपना टेक्नो स्टोर अभी खुला हुआ है, मैं बाद में आता हूँ, अभी फिलहाल मैं जाने वाला हूँ सीधा घर पे, मतलब घर जाके बस सोएंगे, नहाएंगे धोएंगे और वापस आएंगे। बट या मैं चलो खाना खाना था, कल ही आगे खा लूंगा। 85% हंगर है अभी, मतलब एक यूरिन, डर्टीनेस और हंगर, ये तीनों चीज अगर बढ़ जाती है, इनमें से कोई एक चीज भी बढ़ जाती है, तो अपना प्लेयर थोड़ा सा वीक हो जाता है, स्लो चलने लगा। ओके डन, तो गाड़ी पहुंच चुकी है और मैं फिर से गेट खोल के चला गया था, पता ही नहीं चलता यार बिल्कुल। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल ना बहुत तेज बारिश होने वाली है भाई, सच्ची में ऐसी फील आ रही है। डन, तो मैं सोकर उठ चुका हूं और फटाफट से मुझे चलना चाहिए पहले तो थोड़ा बहुत टॉयलेट के लिए। डन, तो यूरिन जीरो हो चुका है, अब फटाफट से नहा भी लेते हैं। डर्टीनेस भी जीरो हो चुकी है, मेरे को खाना खाना है, तो मेरा हंगर भी एकदम जीरो हो जाएगा। और आज मैं गेट बंद करके जाने वाला हूँ, अब डायरेक्ट सुपरमार्केट स्टोर नहीं चलेंगे, पहले मैं जाऊंगा बेस्ट बर्गर, वहां से एक पिज्जा खाएंगे फुल फ्रेश फ्रेश, और फिर उसके बाद जाएंगे सुपरमार्केट। पहुंच चुका हूँ मैं बेस्ट बर्गर पे और यहाँ से मैंने ब्रेक, भाई ब्रेक कब से मारी, अब आके रुकी है गाड़ी, बहुत बेकार ब्रेक है इस गाड़ी की, देख रहे हो कितनी ज्यादा लंबी ड्रिफ्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है गाड़ी। ठीक है भाई, चलते हैं अभी फटाफट से अंदर। और हाँ जी भाई साहब, लाओ फटाफट से खिला दो, ऐसे मैंने बर्गर खा लिया, फ्रेंच फ्राइज ट्राई कर लिया, बस मतलब पिज्जा ट्राई कर लिया, फ्राइज ट्राई कर लिए, बर्गर नहीं ट्राई करा। इसको खाने से कितना फूड कम हो रहा है, तो रखा यहाँ पे और खा लेते हैं इसको। डन, 53, नहीं यार पैसों का नुकसान हो जाता है यार, फ्राइज सही रहते हैं अपना, $15 के आते हैं और जल्दी से खत्म भी हो जाते हैं और सही अपना खत्म भी होता है फूड। एक फ्राइज और दे दो भाई, इतना पैसा तो मेरा खाने पीने में ही बर्बाद हो रहा है। फोर हंगर हो चुका है, ठीक है बहुत है, गाड़ी आगे लेकर चलते हैं, शायद से गाड़ी का फ्यूल भी कम हो चुका होगा, तो मैं लगे हाथ भरवा लेता हूँ ना यहाँ से, बढ़िया रहेगा। शो इन 47%, मतलब आधा फ्यूल खत्म हो चुका है गाड़ी का, तो मैं यहाँ से $159, थोड़ा सा डाल दो, जरूरी थोड़ी है पूरा फिल करवाना है। अरे भाई कौन बैठा हो यहाँ पर, अरे कोई काम ही नहीं कर रहा है इधर। ठीक है भाई ठीक है, मतलब ऐसा हिसाब है, अगर फ्यूल फुल होगा तो, मतलब अगर फ्यूल फिल होगा तो पूरा ही फुलफिल होगा, तो फिर भैया हमें भरवाना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास जब पैसा आ जाएगा तो मैं दोबारा से आ जाऊंगा फ्यूल लेने। फिलहाल अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर वापस से आ चुका हूँ, स्टोर बंद हो रखा होगा, मुझे इससे पहले ओपन करना होगा, मतलब अगर मैं एक दिन उठकर नहीं आया तो ये लोग शटर ओपन नहीं करेंगे और फिर हम लोग पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, ये भी ठीक है भाई। मतलब सीन ऐसा है कि कितना भी सामान ला के भर दो, बट तुम घर पे बैठ के नहीं खा सकते इस गेम। अरे ओए हट यहाँ से, कस्टमर आके खड़े हो गए। चलो यार सारा सामान आ चुका है, बहुत बातें होगी, उतरते हैं, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ओ वेट, इसको मेरे को पहले ओपन करना है। डन, अब मेरे को इसे यहाँ पर रखवाना स्टार्ट करना है। वेजिटेबल्स वगैरह सबसे पहले रखवा देते हैं, ये रखवा दे टोमेटो, ये भी यहाँ पर रखवा देता हूँ। यार मेरे को एक और रैक परचेस कर लेना चाहिए था। अब यार देखो मुझे ना बैंक का लोन भी वापस पे करना है, तो जितना सामान है जल्दी से जल्दी मुझे रखवाना पड़ेगा, ताकि जल्दी से जल्दी सारा का सारा बिके और फिर हम लोग पैसा कमा के उनको वापस कर पाए। और वेट,
ये मैं एप्पल यार सच्ची में कच्चे वाले गलत खरीद के ले आया। येलो वाले तक ठीक था, ये तो कुछ ज्यादा ही कच्चा एप्पल है। कोई नहीं, लोग इसे एकदम फ्रेश सब्जी समझ के पका के खा लेंगे। एप्पल सारे सेट हो गए, बारी है टोमेटो की। टोमेटो भी यहाँ पर मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ। और ये वाला जो फ्रंट रैक था ये पूरा भर चुका है एक तरीके से, तो मैं यहाँ पर और चीजें नहीं रख पाऊंगा। हटना भाई साहब एक बारी। डन, तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर रखवा दी है। अब बारी है इस साइड की, यहाँ पर भी रखवाते हैं एप्पल्स। भाई देखो अपने स्टोर में कुछ होना हो पर फ्रूट बहुत सारे हैं, फ्रूट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। बाकी पोटैटो वगैरह को तो मैं यहीं पर ला के रखवाने वाला हूँ, क्योंकि उधर तो भैया सारी जगह खत्म हो गई है। तो फटाफट से यहाँ पर रखवाना स्टार्ट करते हैं। और ये जितना भी मैं चीजें लाया था भाई सारी बिक गई है। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी खरीद के लाओ, धीरे धीरे करके बिक ही जाना है। यानी बैंक से जो हमने लोन लिया था वो हम लोग वापस पे कर देंगे। मुझे खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि जितनी चीजें मैं खरीद के लाया हूँ ये सारी वापस बिक जाएगी। परफेक्ट, तो ढेर सारे पोटैटो मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब चल के और एक और बॉक्स लाते हैं। टोमेटो भी सेट करता हूँ पीछे ही। इस वाले रैक को पूरा वेजिटेबल रैक ही बना डालते हैं। डन, तो यहाँ पर बहुत सारे टोमेटोज भी मैंने रख दिए हैं और ये वाला रैक ऑलमोस्ट पूरा फिल होने वाला है। कुछ ऑरेंजेस हैं ये भी लाता हूँ। और इसको रखने के लिए तो मुझे लैडर चाहिए होगी, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही जाएंगे, मतलब रैक के ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे शेल्फ के। तो ये लैडर रख देता हूँ मैं लाकर इधर कुछ इस टाइप से। और यहाँ से उठाने मेरे को, पहले तो इसको डब्बे को उठा के यहाँ रखते हैं। अब इसमें से निकाल के यहाँ रखता हूँ। चलो ऑरेंजेस भी हो चुके हैं, अब रह गए और क्या क्या रह गया, बनाना और तेरी टमाटो और है। ये वाला टास्क थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है यार, एक एक चीज ला के रखना। शायद से ऑटोफिल का भी ऑप्शन होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि जब स्टोर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये काम तो फिर इम्पॉसिबल सा हो जाएगा ना। या फिर कहीं इसमें भी कुछ गैस स्टेशन की तरह एम्प्लॉय वाला सीन होगा जो आके सारी चीजें ला के रखेगा। मे बी हो सकता है, जरूरी तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। या फिर ऑटोफिल होगा या फिर एम्प्लॉय वाला सीन होगा। बाय द वे ऑटोफिल हो तो ज्यादा बेटर है यार। तो जितने भी फ्रूट्स थे वो मैंने सारे के सारे इस वाले रैक पे रखवा दिए। अब क्या क्या बचा है, चिप्स के पैकेट थे ना, ये तो चॉकलेट है, ये सॉस है, ये स्नैक है, ये चाहिए मुझे। इसको लाके रखते हैं यहाँ पर और इससे निकाल के। ओ ये वो स्नैक है यार, ये बार्स हैं। तो इसको भी मैं, रुक जाओ पहले तो, ठीक है तो फिर इसको भी मैं यहाँ पर ही रखवा देता हूँ, क्योंकि ये एक मस्त जगह है। बिस्किट्स को एक के ऊपर एक रखवा देता हूँ और इसमें से जो स्नैक है इसको निकाल के यहाँ पर। यार ये इतनी छोटी सी चीज इतनी ज्यादा जगह ले रही है, एक के ऊपर एक रखवा देता हूँ भाई, ये मस्त दिखेगा। देख रहे हो कैसे लाइन से रखवा दिया है, मस्त है ना। चलो भाई पीछे वाला रैक खाली है, फटाफट से इसमें से सामान निकाल के यहाँ पर जल्दी से जितना सॉस है सारा रखवाते हैं। और मेरा बैंक इस टाइम पर दिखा रहा है -200। ये क्या चीज है, शायद से जो मेरा एम्प्लॉय है ना इसकी सैलरी मैं नहीं पे कर रहा हूँ इसलिए मेरे बैंक से कट रही है। समझ गया, तो मेरे को इसकी सैलरी पे करनी है, शायद से ये वही चीज है। अगर वैसे अगर देखा जाए तो एक रैक को भी हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज करके यूज कर सकते हैं। अगर चीजों को एक के ऊपर एक रखवाएं तो कम स्पेस में बहुत सारा आइटम आ सकता है। ओह तो ये चिप्स का पैकेट था, मैं इसे गलत ही उधर ले गया। वेट, मेरे को यहाँ पर लाके रखवाना होगा। ये चिप्स आ रहे अब, तो इसको ला के मैं यहाँ पर रखवा देता हूँ। लास्ट टाइम तो यार सच्ची में मैं बहुत सारे चिप्स लेकर आ गया था, बट अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी सारे के सारे बिक भी गए, तो ऐसा लगा नहीं कि ज्यादा चिप्स आए थे, वरना तो प्रॉब्लम हो जाती। तो ये कुछ नई वाली चॉकलेट्स जो कि मैं परचेज करके लाया हूँ, फटाफट से इसको भी रखवाते हैं एक के ऊपर एक। डन, तो सारी की सारी चॉकलेट्स मैंने यहाँ पर रखवा दी और अभी भी 6 बॉक्स बचे हैं भाई। ये थोड़ा बहुत सच्ची में हैवी ड्यूटी काम है यार, मतलब चीजों को निकाल के एक एक करके रखना सच्ची में अजीब ही काम है। बट कोई नहीं, एट द एंड जब सारी चीजें मैं रख दूंगा और फिर सब बिकेंगी तो एक अलग फील भी तो आने वाली है। मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैं चीजें कैसी कैसी रखते जा रहा हूँ। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही रैक में बहुत सारा सामान रख पाऊँ, क्योंकि 3 ही रैक है और मैं चाहता नहीं कि रैक्स में हम लोग ज्यादा पैसा वेस्ट करें। तो जितना सामान आ सकता है कम से कम एरिया में मैं वही ट्राई करूंगा। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह हैं तो इसको यहाँ पर रखवाते हैं। तो ये डब्बा लेकर आना होगा, शैम्पूज हैं। चलो तो सारे के सारे शैम्पू मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब बचे हैं कैट फूड, डायपर्स, टूथपेस्ट एंड चिप्स। टूथपेस्ट तो बहुत सही है, ये नीचे ही आ जाएंगे। लाओ भाई लाओ, ये कम जगह लेने वाले हैं ना, सारे एक के ऊपर एक लगाऊंगा भाई मैं। परफेक्ट, तो सारे टूथपेस्ट भी यहाँ पे लगा दिए हैं। अब बचे हैं डायपर्स, तो बहुत जगह लेने वाले हैं। चिप्स का एक बॉक्स है, चिप्स सेट कर देते हैं। चिप्स लाओ भाई। तो डन, सारे के सारे चिप्स भी मैंने समझ लो ऑलमोस्ट सेट कर दिए हैं इसके अंदर। अभी बस कितने पीस बचे हैं, 3 बचे हैं ना, तीनों नीचे आएंगे। 2 और ये है 2 और ये है लास्ट पीस, 3। डन, तो चिप्स भी सारे सेट हो गए हैं। अब बचे हैं यहाँ पर कैट फूड आ जाएगा इधर। पता नहीं कैट फूड का, कैट फूड का बॉक्स तो बहुत बड़ा है, बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई एक ही लाइन में ट्राई करेगा सॉर्ट करने का। पहले तो 3 लगा दिया, अब इन 3 के ऊपर 3 और लगेंगे। ठीक है, तो 3 के ऊपर 3 और लगा दिया। पीछे की तरफ में भी 3 जाने वाले हैं, 6 जाने वाले हैं। एक लाइन में तो नहीं सॉर्ट हो पाया, बट फिर भी ठीक है, मैंने इसे 2 लाइन में पूरा सॉर्ट करा है। अब यहाँ पर है डायपर्स, तो डायपर्स के लिए अच्छा खासा जगह इधर। डन, तो मैंने सारे के सारे डायपर्स भी सेट कर दिए हैं। बस यहाँ पर एक पीस और बचा है जो कि मैं इधर ही रखवा देता हूँ, थोड़ा सा खाली स्पेस है तो इतना भी कोई ज्यादा कंजस्टेड करने की जरूरत नहीं है। फाइनली सारा का सारा सामान जो मैं लेकर आया था लगा दिया और अभी भी अपना पूरा का पूरा स्टोर इतना सारा सामान लाने के बाद खाली दिख रहा है। कितना पैसा आ चुका है मेरे पास,
पास. इंट्रैक्ट $628, लेट्स गो. मैं तेरे को सैलरी कहां से दूं? F to interact, और यहां पर आ रहा है पहले तो सेव गेम. ऑटोमेटिकली शॉप को मैं ओपन कर सकता हूं 7 बजे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अभी खत्म होना था, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देता हूं. और यहां पर देखो दिखा रहा है हायर सेकंड कैशियर, बाय सेकंड फ्लोर, बाय फार्म. ओ भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर मैं ले लूंगा तो काफी सारा काम अपना चलते रहेगा. फिलहाल अभी सेकंड फ्लोर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास ग्राउंड फ्लोर है, वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है. तो यहां पर ये दिखा रहा है शॉप स्टेटस टुडे, तो अपनी जो इनकम है वो ये सब बिक कर हुई है, बीन्स, हैंड वॉश, ये सारी चीजें बिकी हैं बहुत ज्यादा. और क्या क्या नहीं था हमारे पास ये वो लिस्ट है. और अभी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ है क्योंकि मुझे अपने कार्ड में पैसे ऐड करवाने हैं ना. ठीक है, भाग के मैं चलता हूँ अपने कार्ड में पैसे ऐड करवा लेता हूँ पहले, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देंगे. इस बार एक काम करता हूँ, वॉलेट से ना सीधा $400 डलवा लेता हूँ ट्रांसफर, और ये $400 मैं सीधा करवा देता हूँ कार्ड में. डन. ओ तो जो बैंक का माइनस 200 दिखा रहा था, अभी देखो मैंने 400 ऐड करवाए थे, 200 जो माइनस के थे वो तो हो ही गए, बट 200 ही आए हैं, मतलब ऐड कराए थे 400 आए हैं 200, मैं समझ गया. तो मैं और भी कैशियर हायर कर सकता हूं, बट अभी अपनी सेल उतनी ज्यादा है नहीं, अपने पास उतना माल नहीं, इतने कस्टमर्स नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है. फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं जल्दी से. और ऐड फंड्स टू वीजा कार्ड यूजिंग ATM. अरे करवाया तो था, अच्छा मैंने 400 लिखा था बट होने तो 200 ही थे ना, क्योंकि अपने 200 माइनस चले तो कट गए थे, तो बस मुझे 200 ऐड करवाने हैं इस बारी. बैंक टू वीजा कार्ड ट्रांसफर हो गए, और मुझे थोड़ा बहुत पैसा अपने बैंक में रखना होगा ताकि अपना ये जो एम्प्लॉय है इसे सैलरी मिल जाए ऑटोमेटिकली. फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, सारी की सारी लाइट बंद हो चुकी है, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल. ये गलत बात है यार, लाइट ही बंद कर देते हैं. बाकी शायद से कुछ कुछ सामान मैं बाहर भी रख सकता हूं, क्या दिखाना जरा, ये बाहर रखूंगा तो बिकेगा? अभी ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं खाली बिली रैक खरीद खरीद के ला रहा हूं, मैं तो सारा सामान ही बाहर रख देता. ये मेरे को पता नहीं यार, यहां पर मैं इसे छोड़ देता हूं, 4-5 चीजें ना रख के छोड़ देता हूं, अगर ये बिक जाती है तो ठीक है, चोरी जाती है तो भी ठीक है भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो बिकनी चाहिए. फिलहाल $320 है, और यहाँ पर अपना है एक बाय जूस मशीन, ये $250 की है, ये मैंने परचेस कर ली. और ये जो जूस मशीन है ये अपने आप आ, ओ वेट, ये अपने आप आ चुकी है, और शायद से अब लोग यहाँ से जूस भरेंगे इसमें. ओ तो मैं समझा ये वाले रैक किस काम के है, न्यूज़पेपर स्टैंड खरीदूंगा तो वो भी यहीं आने वाला है. ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको भी अंदर रखवा देते हैं, अगर और पैसा आया होगा तो मैं एक और न्यूज़पेपर स्टैंड भी ले लेता हूँ. अब इसका कुछ मेरे को पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना मंथली, की अपने आप जूस रहेगा और लोग आएंगे खरीदेंगे हमें पैसा मिलेगा, ऐसा ही होगा तो बढ़िया है. फिलहाल पैसे लेता हूँ, $110 आ चुके हैं, मैं न्यूज़पेपर स्टैंड भी परचेस कर सकता हूँ. न्यूज़पेपर स्टैंड $150 का, डन मैंने परचेस कर लिया. फटाफट से बाहर चल के देखते हैं न्यूज़पेपर. अरे यार ये गलत बात है, न्यूज़पेपर स्टैंड इधर आया क्या? एक सेकेंड, न्यूज़पेपर स्टैंड नहीं, यहाँ भी नहीं दिखा रहा यार, अंदर तो नहीं आया कहीं, लिखकर तो आया न्यूज़पेपर स्टैंड मैंने परचेस कर लिया है. अबे ये रहा न्यूज़पेपर स्टैंड, मैं खाली बिली बाहर जाके देख रहा हूँ. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक एक करके परचेस करनी और अपना काम होता जाएगा. चलो ठीक है यार, आज के दिन अपनी काफी ज्यादा अच्छी खासी सेल हो गई है, बाकी जितना सामान मैं परचेस करके लाया हूँ इसको बेच के मुझे बैंक को भी $1000 पे करने हैं क्योंकि हमने लोन लिया था, और ये तो चलो हो जाएगा, बट यार इसके बाद अपना स्टोर बहुत तेज ग्रो होने वाला है. तो आई होप आपको आज की वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना, वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो. चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना, मतलब कुछ स्ट्रैटेजीज बता देना कि मुझे क्या चीजें लानी चाहिए जिससे हम लोग ज्यादा तेज रिच हो. इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग पैसा इन्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है इस गेम में यार. तो जिसने खेली हुई है तो अपनी राय जरूर देना कमेंट में. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.